दोस्तों, मेरा नाम है कपिल देव, आपको सिखाने जा रहा हूँ एरियल ट्विस्ट। अगला इसका मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ डेमो। आप लोगों ने डेमो तो देख लिया, अब ये बताते हैं आप लोगों को करना कैसे है। आपको एरियल ट्विस्ट करने के लिए साइट और फ्रंट आना बहुत ज़रूरी है। अब आपको हम डेमो दिखा देते हैं साइट और फ्रंट का। ये साइट है दोस्तों, प्रिंट दिखाते हैं आपको। अब आपने साइट स्लिप और बाइविस्टर तो देख लिया है, अब आपको बताते हैं सीखना कैसे है ये। अब देखो, बताने जा रहे हैं एरियल ट्विस्ट में आपको बॉडी कैसे घुमानी है। पहले आप ऐसे खड़े होइए, पहले ये बिना हाथ लगाइए, साइड पे माननी है और फिर बाइविस्टर माननी है ऐसे, फिर आपको पूरी बॉडी इस तरह से घुमा देनी है, ऐसा करके पूरी आपको बॉडी घुमा देनी है। आप पूरी पावर के साथ बॉडी घुमाएं, अगर नहीं घुमाते हैं तो थोड़ा बहुत गिरेंगे। आपको एरियल ट्विस्ट आपको बहुत स्पीड में करनी और उछाल के साथ करनी है, और ये आप पक्के में नहीं करना, ये आपको रेत में करना है, ठीक है ना। चलो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप बॉडी कैसे घुमानी है, आपको पहली लैंडिंग आपकी कैसी होगी। आपको ऐसे भाग के आना हो, ऐसे उछाल के साथ आपको पूरी बॉडी मुड़ानी है, ठीक है। आपको भाग के आना है, ये साइड कितना उछाल लेनी हो, ये प्रिंट आपको घुमा के ये राउंड आपको घुमाना आपकी पड़ जाएगी। एरियल ट्विस्ट आपको ऐसे ही करना है, और आपको करके दिखाना आपकी लैंडिंग कैसी होगी। पक्के पे नहीं करनी आपको, पहले रेत में सीखना, उसके बाद आप पक्के में मार सकते हैं, ठीक है। देखिए आपकी लैंडिंग पहले ऐसी होगी जैसे मैं गिरा हूँ, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप करते रहिए, आप खड़े हो जाएंगे। आपकी लैंडिंग देखिए पहले ऐसी होगी, आपको बहुत स्पीड में घुमाना है उछाल लेके, ठीक है। आपको मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ, आपको ये रेत ही में करना है, पहले पक्के में नहीं करना आपको। फिर आपको बहुत स्पीड में उछाल लेके घुमाना है, आप धीरे धीरे ऐसे लैंडिंग होगी, फिर आप कस के उछाल लेके घुमाएं, आप खड़े हो जाएंगे, पैर सीधे बिल्कुल रखना है आपको, होल्ड नहीं करना है। अब आपको हम एक बार फिर से करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आप धीरे धीरे खड़े होने लगे हैं, पैर बिल्कुल सीधे करें, फोल्ड मत करें, नहीं तो आप गिर जाएंगे, और उछाल लेके करें। अब आपको हम खड़े होके दिखा रहे हैं, तो आप ऐसे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, और पैर अपने बिल्कुल सीधे ही रखें, भी ऐसे फोल्ड मत करें, नहीं तो आपकी ऐसी बॉडी आएगी बिल्कुल एक एक पैर लाके ला। तो आप ऐसे धीरे धीरे खड़े होने लगेंगे, आप अगर सीख जाएं तो आप रेत पे नहीं पक्के पे भी, इसके बाद पक्के पे भी करें।